और दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाने जा रही है। इस फैसले से ये साफ होगा कि केजरीवाल और मोदी सरकार के पास पुलिस और जमीन से जुड़े मामलों में क्या फैसला लेने और आदेश करने का अधिकार होगा, यानी दोनों सरकारों के बीच की लड़ाई को कोर्ट से आने वाला फैसला खत्म कर सकता है। फिलहाल दिल्ली को पूर्ण राज्य नहीं है और दिल्ली में पुलिस और लैंड से जुड़े सभी मामले केंद्र के अधिकार में आते हैं। पिछले साल एलजी ने दिल्ली सरकार के कई अफसरों का अपॉइंटमेंट रोक दिया था। केजरीवाल सरकार ने पिछले साल दिल्ली सरकार में ऑफिसर के अपॉइंटमेंट को लेकर जारी केंद्र के नोटिफिकेशन को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। इससे पहले आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट को फैसला देने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कोई राहत देने के बजाय हाईकोर्ट से आने वाले फैसले का इंतजार करने को कहा था। आतंकवादी सलाउद्दीन के बाद एक और आतंकवादी संगठन जमात दावा के मुखिया हाफिज सईद ने राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे को लेकर एक बार फिर से जहर उबला और पाकिस्तान सरकार से कहा है अगर ये बात करने की कोशिश करे तो इनका मुंह बंद करें, वरना इनका मुंह हम बंद करेंगे। हाफिज सईद ने ये बातें बुधवार राजनाथ सिंह के साथ के मंत्री सत्रीय सम्मेलन में भाग लेने इस्लामाबाद पहुँचने के बाद कही। तिल मिलाए सईद ने नवाज शरीफ सरकार में गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान को राजनाथ सिंह से नहीं मिलने की सलाह भी दे डाली और कहा कि चौधरी निसार अगर राजनाथ रोता हुआ वापस जाएगा तो तुम कामयाब और अगर ये हंसता हुआ वापस जाएगा तो तुम हुकूमत छोड़ दो। आम नागरिकों और सरकार के लिए भी फायदेमंद माने जाने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स संशोधन बिल कल राज्यसभा में पास हो गया। ऊपरी सदन में करीब 8 घंटे की लंबी चर्चा के बाद देर शाम बिल पर वोटिंग हुई। संशोधन बिल के पक्ष में 203 वोट पड़े, जबकि जयललिता की पार्टी AIADMK ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बिल के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी दलों और उनके सदस्यों को धन्यवाद कहा। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल के पास होने के बाद केक काटकर खुशियां मनाई। इससे पहले उन्होंने ही संशोधित बिल को सदन के पटल पर रखा था। उन्होंने GST को बीते एक दशक का सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार करार दिया। जेटली ने बताया कि GST से भारत एक समान मार्केट में बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यसभा ने GST बिल को सिलेक्ट कमेटी में सौंपा था। ज्यादातर दलों में इस बिल को लेकर सहमति बन गई है। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित मोटर यान संशोधन विधेयक 2016 को कल मंजूरी दे दी। विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इन प्रस्तावों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और हिट एंड रन मामलों के लिए 2,00,000 रुपए का मुआवजा शामिल है। सड़क दुर्घटना में मौत होने की स्थिति में 10,00,000 रुपए तक के मुआवजे का प्रावधान विधेयक में किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने और लाखों निर्दोष लोगों की जान बचाने की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित है और इसमें निर्धारित गति से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने पर 1,000 से 4,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 वरिष्ठ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है कि वो पार्टी सांसदों से बकायदा डिनर पर मिले और उनकी समस्याओं का निपटारा करें। पार्टी सांसदों को 60-60 के ग्रुप में बांटा गया और डिनर पर पहली मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और दूसरी गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रखी गई। पहली मुलाकात में खुद प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। सूत्रों की माने तो बैठक में कई सांसदों ने मोदी से शिकायत की कि मंत्री से मिलने के लिए पार्टी सांसदों को कई दिन चक्कर काटने पड़ते हैं, काम करवाना तो दूर की बात है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई डिनर मीटिंग में पार्टी सांसद प्रवेश वर्मा ने अमित शाह के सामने ये तक कह डाला कि जानबूझकर एक केंद्रीय मंत्री उनके संसदीय क्षेत्र के प्रोजेक्ट्स को रोकने में लगे हैं, जिनसे जनता का नुकसान तो हो ही रहा है, पार्टी की इमेज भी खराब हो रही है। प्रवेश वर्मा की बात का समर्थन कई और सांसदों ने भी किया। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने कल अपना इस्तीफा राज्यपाल OP कोहली को सौंप दिया। अहमदाबाद में BJP दफ्तर में चली बैठकों के दौर के बाद आनंदीबेन के अलावा BJP प्रभारी दिनेश शर्मा और वी सतीश राजभवन पहुंचे, जहां CM ने अपना इस्तीफा दिया। सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे की पेशकश करने वाली आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा BJP संसदीय बोर्ड की बैठक में मंजूर किया गया। इसके बाद शाम 5 बजे आनंदीबेन गवर्नर को अपना इस्तीफा देने पहुंची। हालांकि जब तक नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा नहीं होती है, आनंदीबेन कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर बनी रहेगी।
आनंदीबेन ने इस्तीफे के बाद आज सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद पहुंच गए हैं। शाह बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। बैठक में वी सतीश और दिनेश शर्मा समेत बीजेपी के मुख्यमंत्री के संभावित दावेदार भी मौजूद रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकर सिंह वगेला और अन्य के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ये मामला मुंबई में नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की एक प्रमुख जमीन की बिक्री से संबंधित है, जिसे सरकारी खजाने को कथित रूप से 709 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने पिछले साल संज्ञान लेते हुए आपराधिक भ्रष्टाचार का मामला दायर किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अब मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून के प्रावधानों के तहत मामला दायर किया है। अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी इस मामले में सीबीआई और अन्य एजेंसियों से जानकारी जुटाने के बाद जांच की है। इसके अलावा उसने आरोपियों द्वारा जुटाई गई अपराध की कमाई की पहचान भी की है। वगेला और अन्य लोग जिनका नाम एफआईआर में है, को जल्द पूछताछ के लिए समन किया जाएगा। कश्मीर घाटी में कल ताजा झड़पों में कई सुरक्षा कर्मियों समेत दर्जनों लोग घायल हो गए। इस बीच यहां एक अस्पताल के बाहर पैलेट गन से एक युवक की मौत के बाद घाटी में जारी अशांति में मरने वालों की तादाद 51 पहुंच गई। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपायों के तहत घाटी के कई और इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन शहर के छत्ताबल इलाके सहित कई जगहों पर इन आदेशों का उल्लंघन हुआ। छत्ताबल का रहने वाला रियाज अहमद कल रात कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा मारा गया था। घाटी के कई हिस्सों से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प की खबरें आई हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में व्यापक स्तर पर हिंसा हुई, जिसमें कई सुरक्षा कर्मियों समेत दर्जनों लोग घायल हुए। अनाधिकारिक रपटों में घायलों की संख्या 70 बताई गई है। दलितों पर हुए हमलों की घटनाओं से होने वाले नुकसान को भांपते हुए आरएसएस ने डैमेज कंट्रोल की कमान संभाल ली है। गुजरात और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं और ऊना में दलितों की पिटाई के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर है, लिहाजा संघ अब दलितों को लुभाने की योजना बनाने में जुट गया है। इसकी शुरुआत आरएसएस ऊना से ही कर रहा है, जहां दलितों के लिए सामाजिक समरसता आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत संघ के प्रचारक और स्वयंसेवक दलितों के घर जाकर संघ के इतिहास के जानकारी देने के साथ ही दलितों को बताएंगे कि संघ अपनी स्थापना के समय से दलितों के साथ रहा है। संघ के स्वयंसेवक रक्षाबंधन का कार्यक्रम दलित बहनों के साथ मनाकर सामाजिक समरसता का संदेश देने की कोशिश करेंगे। मायावती पर टिकटों में धांधली का आरोप लगाने के बाद बहुजन समाज पार्टी छोड़ने वाले पूर्व बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मौर्य और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच बैठक हुई। इसके बाद से ही उनके बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 8 अगस्त को आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता स्वीकार कर सकते हैं। पिछले दिनों मौर्य ने बीएसपी की चीफ मायावती पर टिकटों में खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी थी। मौर्य ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने अम्बेडकर के सपनों को बेचा है, पार्टी में दलितों की कोई सूझ नहीं ले रही। केंद्र सरकार ने पूर्व सेक्टर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती के लिए अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। ये कवायद चीन से लगी सीमा के पास अपनी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। इस मिसाइल की इमारत क्षमता 290 किलोमीटर है। सूत्रों के अनुसार सरकार चौथे ब्रह्मोस रेजिमेंट को मंजूरी दी है। इसमें करीब 100 मिसाइलें, 5 मोबाइल स्वचालित लॉन्चर और एक मोबाइल कमांड पोस्ट सहित कुछ अन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैनात होंगे। थलसेना इस मिसाइल का परीक्षण कर रही थी। इसका आखिरी परीक्षण मई 2015 में पूर्वी सेक्टर में हुआ था। ये क्रूज मिसाइल पहाड़ों में दुश्मनों के ठिकानों को निशाना बना सकती है। थलसेना में पहले ही ब्रह्मोस की 3 रेजिमेंट शुरू हो चुकी है। उत्तर कोरिया ने बुधवार को बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। ये मिसाइल जापान की समुद्री सीमा में दागी गई। जापान ने इस परीक्षण को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताते हुए कहा कि वह ऐसे कदम को माफ नहीं कर सकता। वहीं उत्तर कोरिया के इस परीक्षण को अमेरिकी द्वारा थर्ड मिसाइल की योजनाबद्ध तैनाती के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल को पश्चिमी शहर अन्युल के पास से स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:50 पर प्रक्षेपित किया गया। मंत्रालय ने कहा कि मिसाइल ने करीब 1000 किमी का रास्ता तय कर जापान के अधिकार क्षेत्र वाले समुद्री इलाके में गिरी। ये मध्यम दूसरी की रोंदोक मिसाइल हो सकती है।
उधर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने उत्तर कोरिया को चेतावनी दी कि किसी भी उकसावे या हमले से खुद की और अपने सहयोगियों की रक्षा करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अलग हुए एक समूह और ब्रसेल्स और पेरिस हमलों के एक संदिग्ध को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया और उनकी किसी भी अमेरिकी संपत्ति पर रोक लगा दी। विदेश विभाग ने कहा है कि इन प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी क्षेत्र में पड़ने वाले जमात उल अहरार और यूरोप के रहने वाले मोहम्मद अबरीनी की सभी तरह की संपत्तियों पर रोक लगा दी गई है और अमेरिकी लोगों को उनके साथ किसी भी लेन देन से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जमात उल अहरार तहरीक तालिबान से अलग हुआ समूह है। ये समूह अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के निकट सक्रिय है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में एक शख्स ने चाकू से लोगों पर हमला किया। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। बाद में पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। घटना सेंट्रल लंदन के रसेल स्क्वायर की है। पुलिस घटना को आतंकी हमले से जोड़कर देख रही है। पुलिस को सूचना मिली कि रसेल स्क्वायर में एक शख्स चाकू से लोगों पर हमला कर रहा है और उसने कई लोगों को घायल कर दिया है। पुलिस अपने साथ एम्बुलेंस को लेकर पहुंची। हमले में कुल 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक महिला ने बाद में दम तोड़ दिया। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। ब्रिटेन के समय अनुसार घटना कल रात 10:30 बजे की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच का रिजल्ट ड्रॉ रहा। एक समय भारत की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन रोस्टेन चेज ने भारत के पंजे से जीत को छीन लिया। हालांकि भारत अभी भी 4 मैच की सीरीज में 1-0 से आगे है। इससे पहले रोस्टेन चेज के शतक की बदौलत वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन जोरदार वापसी करते हुए दूसरे पारी में चौथे तक 6 विकेट पर 319 रन बनाकर मैच ड्रॉ कराने की ओर कदम बढ़ा लिए थे। गैरी सॉबर्स के लगभग 50 साल बाद किसी टेस्ट में 5 विकेट और शतक जड़ने के बाद चेज वेस्टइंडीज के पहले खिलाड़ी है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी से क्लीन चिट मिलने के बाद नरसिंह यादव को कल यूनाइटेड विश्व कुश्ती से भी रियो ओलंपिक में भाग लेने की इजाजत मिल गई। नादा ने सोमवार को नरसिंह को बेकसूर ठहराया था। वे UWW के जवाब का इंतजार कर रहा था क्योंकि भारतीय कुश्ती महासंघ ने 74 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग में उसके नाम पर पूर्ण विचार करने का आग्रह किया था। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, नरसिंह को नाडा से क्लीन चिट मिलने के तुरंत बाद हमने विश्व इकाई को पत्र लिखकर उसके नाम पर पूर्ण विचार करने के लिए कहा। मुझे आज ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि यूनाइटेड विश्व कुश्ती का जवाब आ गया है जिसने नरसिंह को रियो ओलंपिक में खेलने की अनुमति दे दी है।